हेलो मिस्टर शर्मा, माई सेल्फ मुकेश बिरला। जी हमारी आपसे फोन पर बात हुई थी। आइए मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। बैठिए। मुकेश बिरला जी, ये जी मेरी बेटी जी जिसके बारे में बात कर रहे थे जी। रूपाली जी, पूरा देश आपके एक झलक के लिए तरस रहा है, आप इतना लंबा घूंघट क्यों करके बैठी हैं? पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि आप कुछ ज्यादा ही तरस रहे हैं जी? वो घूंघट इसलिए लिया है जी क्योंकि हमारे ना घर की परंपरा है कि कुंवारी बेटियां घर में घूंघट में रहती है जी। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या परंपरा है, क्या संस्कार है। अरे वाह, नए जमाने और पुराने जमाने का क्या मेल है। ये रूपाली जी, मैं तो आपका फैन हो गया। फैन क्या, मैं तो आपका बहुत बड़ा दीवाना हो गया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले एक झलक आपका देखना चाहूंगा ताकि मैं आपको साइनिंग अमाउंट दे सकूं। भाई साहब, आपने साइनिंग अमाउंट देनी है या मुंह दिखाई देनी है? वाह 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 वाह, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है। बाप का सेंस ऑफ ह्यूमर और बेटी का संस्कार, क्या मेल है। वेरी गुड वेरी गुड, आई लाइक इट। रूपाली जी, क्या है कि मुझे अपने पार्टनर को आपकी एक लेटेस्ट पिक भेजनी पड़ेगी, उसके लिए एक सेल्फी ले लेते हैं। मेरी और मेरी बेटी की शक्ल बहुत ज्यादा मिलती है। ओके ओके ठीक है। रूपाली जी, क्या है कि देखिए कि आप इतनी बड़ी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रही हैं, तो आपको बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना पड़ेगा। तो मैं ये देखना चाहूंगा कि बड़ी पार्टियों में जाकर के आप अपने आप को आप खुद एडजस्ट कर पाती हैं। इसके लिए कैन यू डांस प्लीज विद मी, आपके लिए मैं अनजान हूँ। प्लीज गिव मी हैंड प्लीज कम। बस डांस देखना चाहूंगा, अनजान व्यक्ति हूँ मैं आपके लिए। हाँ छोड़िए, डांस की क्या बात करें, मैं आपको क्या बताऊँ। आज तक जो कुछ सिखाया ना मैंने अपनी बेटी को सिखाया, आप मेरे साथ डांस करके देखिए, सेम वैसे ही करती है। ये हिसाब लगा लीजिए, डांस सेम मेरे जैसे करती है। हाँ, बस करती हाँ, यहाँ से है जी। ठीक है ठीक है। रूपाली जी, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, हमारी जो कंपनी है ना फैशन शो करवाती है, तो मैं आपका एक बार रैंप वॉक देखना चाहूंगा, फिर आपको मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगा। पापा, रैंप वॉक की क्या बात कर रहे हैं जी, मैंने आपको बताया जी, मेरी लड़की मतलब मेरे से सब कुछ सीखी है। कितनी अच्छी रैंप वॉक मैं करता हूँ ना, उतनी तो कोई कर ही नहीं पाता जी। अभी करके दिखाता हूँ आपको। शर्मा जी, क्या है? शर्मा जी, देखा कितना अच्छा किया मेरे रैंप वॉक, सेम ऐसा ही मेरी बेटी करती है। फालतू बात मत करिए, मैंने अपने पार्टनर से प्रॉमिस किया है कि रूपाली जी का चेहरा, रूपाली जी का डांस, रूपाली जी का रैंप वॉक मैं उसको सेंड करूं, तब जाकर फाइनल डील पक्की होगी। अरे क्या चेहरा चेहरा लगा रखी, नहीं दिखाते हम चेहरा। रूपाली चेहरा के लिए बात करता हूँ तो तुम अपना चेहरा दिखाते हो। रैंप वॉक के लिए बोला रूपाली को तो तुम रैंप वॉक करने लगे, कुछ भी बोलता हूँ तो तुम करने लगते हो। तेरे बुड्ढे की यस, ये सब तो होता रहता है, पुराना भूल जाओ। और सुनो जी, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड नशे में है तो फिर मुझे भी होश कहाँ। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो ही नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। अरे अरे संभालो संभालो अपने आप को, क्या हालत बना रखी है तुमने, कुछ लेते क्यों नहीं हो? लेता तो हूँ। मुझसे क्यों इतना प्यार करते हो? देखो अब मैं किसी और की हो चुकी हूँ, अब भूल जाओ मुझे। आखिरी बार मुझे सीने से लगा लो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वैसे तो तुम्हारा कोई हक नहीं रहा हम पे, क्योंकि अब हम इनकी हो चुके हैं। Yes. पर हम नहीं चाहते हमारे सुहागरात पर कोई अपशगुन हो। Yes. तो इसलिए हम एक लास्ट बार हक कर लेते हैं। I love my darling. मेरा बच्चा बाबू।
अबे तुम्हारे, अबे रहने दो एक मिनट यार। सुनो, मैं लौंडे का मामा बनने के लिए तैयार हो गया हूँ। समझ नहीं आती तुमको? अपने पति के सामने, अपने भूतपूर्व, अपने पति के सामने अपने भूतपूर्व बॉयफ्रेंड के साथ तुम चिपका चिपकी खेल रही हो, तुमको शर्म नहीं आती? संजय, दीपक चाहता है इस छिछोरे से पहले इस स्टेज पर तुम मेरे साथ बैठ जाओ बस। सुहागरात तो बिस्तर पे बुला रहा है, जाना नहीं। जानू देखिए, वैसे तो मैं इनकी बात नहीं मानती, पर वो क्या है ना कि आज हमारी सुहागरात है और मैं नहीं चाहती हमारी सुहागरात पर कोई अपशगुन हो। कोई देखो यार, तुम इससे प्यार करते थे, ये भी तुमसे प्यार करती थी, तुम भी अपने का सही हो, ये अपने का बहुत ज्यादा गलत है। इधर आओ। जब तक तुम ठीक ठाक हो हमारी सुहागरात नहीं मन सकती है, तो मेरी तरफ से गिफ्ट लेके जाओ। क्या? इधर आओ। तुमने तुमने मेरे साथ जो किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारे घर पर बच्चा कभी नहीं पैदा होगा। एक मिनट, जो आते हैं क्या कि तू श्राप देगा तो बच्चा पैदा नहीं होगा, बच्चा तेरे सामने होगा। हेलो, कौन मुत्तू सामने? मैं नहीं पहचानता है। क्या? मेरा बेटी को तुम्हारा घर का बहू बनाना चाहते है? अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जी आ जाओ। आ लक्ष्मी, क्या हुआ जी? ये शहर का बहुत बड़ा आदमी अपना बेटी को देखने को आ रहे हैं, तुम फटाफट उसको तैयार करो। आइयो स्वामी, हम अभी करता जी। आइयो 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 आइए। नमस्कार 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 नमस्कार। ये क्या जी, तुम फोन पे बोला बहुत बड़ा आदमी है, इधर तो मेरे से भी छोटा दिख रहे तुम। आइयो आइयो, हाइट से नहीं, आइयो हाइट से नहीं, आइयो प्रॉपर्टी से बड़ा। आइए आइए, बैठिए 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 अन्ना डैडी। मुत्तुसामे, एक बात पूछने का। आइए पूछ पूछ। तुम्हारा बाप कभी पंजाब गया था? आइए नहीं हो। कोई पंजाबी आदमी का तुम्हारे घर पे आना जाना था? आइए आइए आइए, ये क्या जलेबी की तरह बात को घुमा घुमा के बोलता है, जो पूछना सीधा सीधा पूछा है। क्या है मालूम है, हमारा एक पड़ोसी है, अब बहुत कमीना है, उसका चेहरा तुम्हारा से बहुत मैच करता है। आइए आइए आइए, रामा रामा आइए। अम्मा इधर तुम्हारा लड़की देखने आया और तुम पड़ोसी की बात करता, लड़की बुलाओ जी लड़की। लक्ष्मी बेटी को लेके आओ। आया जी। नमस्कार 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 नमस्कार। बेटा तुम हमको ये बताओ, तुम कैसी वाइफ मांगता? स्वामी आंटी, जिसको नाचना आता हो, गाना आता हो और थोड़ा सा कुश्ती करना आता हो। ये नाचना गाना ठीक है, ये कुश्ती करने के लिए क्या है तुमको, दंगल 2 बनाने का? आइयो राम राम आइयो, हमारा पड़ोसी कुत्ता कमीना कुश्ती करता रहता हमारे साथ, इसलिए बोल रहा है जी। आइयो, वो क्या कहता है कि हम तुम्हारी बेटी की आवाज सुनना मांगता। अभी सुना नहीं क्या? आया जब भी काला चश्मा चचता